देखो कैपिंग, एक होता है डोमिनेशन और एक होता है फिर कमबैक। बट एक ही टूर्नामेंट में जब डोमिनेशन भी हो और कमबैक भी हो तो फिर ये तो एक्चुअली मूवी सीरीज हुई भाई। तो इस वीडियो को भाई हम एक तरह दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं कि एक होने वाला है अल्टीमेट डोमिनेशन एक टीम का और दूसरी तरफ होने वाला है अल्टीमेट कमबैक एक टीम का। सबसे पहले तुम्हारे यहाँ पे भैया आ रहे हैं, ये यहाँ पे आए हैं नए मोड के अंदर, हेल्थ किट मार रहे हैं। सामने बंदा कूदम का दिखाई कर रहा है, आई हैव नो आइडिया। नीचे से भी भाई इनको पता ही नहीं ऊपर चढ़ा हुआ शायद से भाई पे एस्ट्रोल के। एक तो भाई आजकल लोग एस्ट्रोल के डिब्बे से बैठ नहीं, जल्दी तारीफ कर दी मैंने थोड़ी सी, मेरे मुंह से निकल गया। कोई नहीं, बड़े बड़े रैंगल में ऐसी बात होती रहे भाई। इसकी एचपी नहीं है, कुछ नहीं है, सामने वाले को मुक्का मारने जा रहा है, वो बंदा आसमान में लेट रहा है। आ गया मजा मुंह पे खा के एकदम। अब तुम्हें पता ना हो तो भाई जो वन गेम प्रो चैंपियनशिप चल रही है भाई हमारी, वो टूर्नामेंट सीरीज वो एकदम लिटरली मूवी की तरह है भाई। उसके अंदर जो तुमको आज दिखाऊंगा ना मैं, तो मजा आने वाला है। बट ये S2G भैया तो यहाँ पर हमको कुछ अलग ही माल दिखा रहे हैं यार। ये बंदा पता बहुत गलत मारता है, मैंने ऐसी क्लिप्स देखी, कुछ लिटरली पागलों से स्नाइपिंग करता है, पागलों से असॉल्टिंग करता है। ये बंदा तो फुल स्टंट मारने आया भाई गेम में, इसे जमीन टच नहीं करी भाई, आसमान में बैठा बैठा उड़ गया ये अपनी गाड़ी में ही। यार ये देखो ये प्लेयर कहाँ उड़ के जा रहा है, मेरा भाई आसमान में उड़ते हुए दिया है, गिर के नॉक हुआ है पक्का है, तभी कट हुई क्लिप, तभी इसलिए कट हुई है। अगर जिंदा बचा होता ना तो क्लिप कट नहीं होती मेरे भाई। भाई सब तुक्का हो तो ऐसा होता ना हो भाई, पेड़ के थ्रू दिखा भी नहीं, हेडशॉट लग गया भाई कैसे भी। इसे कहते हैं गाइस असली पावरफुल तुक्का, समझ रहे हो, अनबीटेबल लेवल का। मेरे साथ होता है ये, मैं झूठ भी नहीं कह रहा, मैं तुम्हें सुबह के 3 बजे ही मिलूंगा गेम खेलते हुए, झूठ भी नहीं कह रहा भाई। मैं ऐसे टाइम पे नहीं मिलता, मैं तुम सुबह 3 बजे देखना तुम्हें किंग एंड्रू मिलेगा, पक्का मिलेगा गेम में। हैं जी किसको मारा आपने, मतलब आधे ज्यादा एडिटिंग में इतने खुश हो जाते हैं लौंडे करते करते कि बंदा ही नहीं दिखता। भाई का डोर खुलते ही स्कैम होने वाला है एनिमी का। हेलो भैया हाउ डू यू डू, चलो काम की बात बात है। वो नाच रहा था एक प्लेयर तो नाच रहा था खुशी खुशी। यहाँ पर हमारे भैया वेट कर रहे हैं उन्हें मारने के लिए। भाई बग्गी सामने पड़ी है, AKM-6X पे लगा रखा, आज तो वक्त बाद जिंदगी बदल देगा एनिमी का, उसका नाम भुलवा देंगे, उसका करियर खत्म कर देंगे। क्या मार रहे हो मेरे भाई, पिस्टल। एक AFK प्लेयर को आपने इतने स्टाइल में मारा है, क्या बताओ मैं, मजा आ गया, क्या मजा आया भाई AFK प्लेयर को ऐसे मारने में है भाई। ये कहां से कहां चला गया, यहाँ पर एक प्लेयर आया फुल मूवमेंट करता। ओ, ये लड़का लड़की का क्या चल रहा है, प्यार मोहब्बत। और ये कौन है, इसका टीममेट क्या कर रहा है, वो कैमरा मैन है क्या, ये क्या हुआ, आई एम सो कंफ्यूज। तुम्हें भी समझ आया, मेरे को तो बिल्कुल समझ नहीं आया भाई क्या हुआ यहाँ पर, सब कुछ सिर के ऊपर छोड़ गया भाई। लेट्स गो, ये देखो भैया चढ़े हुए कार के बोनेट पे, आज तो वक्त बाद जिंदगी बदल देगा एनिमी का भैया। खुद यार बच गया, मेरे को नॉक हो जाएगा खुद भी। इसने अपनी गाड़ी के नीचे नेड़ फेंका भाई, आसमान में उड़ेगा उसके ऊपर देखना। भाई 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 ये ट्रिक शॉट बनाने में मेहनत तो लगती है, मतलब 1000 बार ट्राई लेने में बनता है ना, एक बारी में तो मुश्किल ही बनता होगा मेरे को लगता है। भाई सब स्कूटर का ऐसे एडिट बना रखा है जैसे लैम्बोर्गिनी हो भाई। यहाँ पर एक प्लेयर आ, इसकी यूसी देखो तुम, ये पबजी की यूसी से गाइस पबजी खरीदने आया मेरा भाई, समझ रहे हो। ये अभी कल जाके क्राफ्टन को मैसेज करेगा, मेरे भाई मैं आपका पबजी खेल खरीद रहा हूँ, ये पकड़ो यूसी, फिर क्राफ्टन वाले स्पिन करेंगे एक। भाई साहब इसकी गर्लफ्रेंड इसे छोड़ के गई है तभी इतनी पागलों की तरह खेल रहा है, झूठ भी नहीं कह रहा मैं, और कोई रीजन नहीं है भाई का इतनी मोटिवेशन के साथ मारने का। एक बंदा आया राइट साइड में उसको रोक रहा हूं, दूसरा प्लेयर सामने आ रहा है फ्री फायर मारता उसे भी उड़ाया, तीसरा बंदे को कंफ्यूज करके उसको भी टपली दी, चौथा बंदा आ रहा है। वाओ क्लच हो तो ऐसा हो वरना ना हो मेरे भाई, लेट्स गो बॉय। लाइन में उड़ा दिया भाई, एंड द फन फैक्ट इज कि एनिमीज के टीममेट को भी नॉक नहीं कर रहा, पता नहीं गोली मार किसे रहे थे है? भाई ये टीडीएम में बहुत गलत सिस्टम है, झूठ भी नहीं कह रहा हूं मैं, कहीं पे निशाना कहीं पे प्यार, किसी और को हेडशॉट पड़ रहा है भाई। व्हाट इज दिस हेड माय फ्रेंड, क्या हेड दे रहे हो तुम गुजल सचलरंदा।
भाई भाई के साथ स्कैम हो रहा है भाई बेचारा। ओके हेडशॉट मारा है भाई। ये क्या एडिट था भाई ने, फॉरवर्ड करके फिर रिवाइंड करा है भाई। ये 2GB डिवाइस पे खेल रहा है हमारा लौंडा, इसने AKM से एक बंदे को मारा, गन चेंज करी, वेक्टर से मारने का फुल ट्राई हार्ड कर रहा है बेचारा कि आज के। ओ फाइनली मर गया भाई, जल गया फोन, कौन ही पड़ गया भाई भाई का डिवाइस भी लग। मैं जा रहा हूं टट्टा बाबा खत्म भाई साहब, मेरी तो लग गई भाई। ये भैया राइट साइड से फुल फ्लैंक मार रहे M416 लेकर के भाई साहब। स्प्रे हो तो ऐसा हो वरना ना हो। कौन है जेली जीली जीली क्या होता है ना। ये देखो भाई ने इतने सारे लोगों को यहाँ पे कलेक्ट करके रखा, यहाँ पे वो नेड़ फेंकेगा शायद, सब नाचने वाले है। क्या होने वाला है, तुम सब नाचोगे ना, क्या करोगे भाई बताओ। उसने ग्रेनेड नहीं फेंका वो नाचने वाला, तो क्या फायदा हुआ। ये क्या है, ये सब लोग महंगी महंगी स्किने लेके आए हैं, अंधा पैसे वाली क्लैन है कोई तो भाई पता नहीं। भैया उठ रहा आसमान में M24 लेकर के, जैसे कि भाई सब ये लोग आसमान में उड़ते तो ऐसे जैसे इनको इन्होंने टिकट मिला हुआ है भाई प्लेन में बैठने का, मस्त उड़ता हुआ जा रहा है। क्या बोलूं भाई, क्या चीज है भाई, क्या है ये। ये कॉम्पी में कोई नहीं ट्राई कर रहा यार, ये कॉम्पी में ट्राई करना चाहिए भाई। आपकी एस्टल के ना आपको बहुत धोखा दे देगी, मत ट्राई करो, फेंक दो एक। दिल से बुरा लग रहा है एट दिस पॉइंट, बहुत बुरा लगा भाई, झूठ भी नहीं कह रहा मैं, दर्द मेरे को फील हुआ भाई यहाँ तक। अब क्या कुक होगा, अब तो कुक हो गया मेरा भाई, नॉक हो गया, अब क्या कुक होगा। नंबर टू बचाएगा क्या, नंबर टू आ रहा राइट साइड से, मेरे को लग रहा है वो बचा ना ले। नहीं 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 भाई, कुक एक होता है, ये क्या कर रहे हो आप, ये कहां से कहां मार रहे हो मेरे भाई। आई एम सो कंफ्यूज्ड, ये क्यों बनाया तुमने, क्या था कि उसको मार करके उसके M24 वापस ले ली, मतलब क्या। ये भी पागल शॉट था, ये क्या नया टेक्निक आ गया लोगों को मारने का भाई, क्या ये किसने इन्वेंट करा भाई। मेरे को तो ये पहले पकड़ के लाओ उस लौंडे को जिसने ये इन्वेंट करा, चलती गाड़ी से ऐसे आसमान में उड़ के लोगों को M24 मारना। अपार्टमेंट तक समझ आता था, बट ये क्या नुबड़ा गिरी है भाई। अब पोचिंग में भी लोग उड़ उड़ के मार रहे हैं, कोई जगह बची है जहाँ तुम नहीं उड़ते हो। ये भैया डांस इंडिया डांस का ऑडिशन देने आए हैं। यहाँ पर एक प्लेयर है M249 ले करके भाई, भाई भाई ये किसने बनाया भाई। ये आइडिया किसका था भाई, सही है भाई, बहुत हाई आई क्यू लगाया लौंडे ने आज के दिन में। ओ विक्टर भाई हाउ आर यू, आप ही का तो याद कर रहे थे हम, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड। ये अनएक्सपेक्टेड एंट्री थी भाई। ओ पीक लेते एनिमी का पिकाचू बना देगा ये। ये एंड्री किड का गाना बजा कर क्या फील ले रहे हो मेरे भाई। भैया है यहाँ पर फुल अपनी स्किन चमकाते हुए। ओ ओ अरे ये क्या ट्रांजिशन है मेरे भाई, आंखों से गाड़ियों की हेडलाइट। सही है भाई, ओके। ये दूर से कौन M24 मार रहा है, अबे नूबड़ी के डरा करो डर, उल्टा घूम के M24 के मुंह पे M249 सॉरी M416 मार दी भाई ने। बेबी हो जाएगा तुम्हारा अगर विक्टर मारने पर। वाहिद अल हजी भाई साहब, चार 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 वेट कर रहे। रिलैक्स ब्रदर, अरे बेबी 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 हो गया और कुछ नहीं भाई। ओ, ये गलत मारने वाला है एनिमी को, हालांकि मेरा भाई हार रहा है बट स्वैग मारना जरूरी है भाई, हारेंगे जरूर बट स्टाइल से हारेंगे। ये देखो ये सब, ये तो आजकल ना सब कंपटीशन की तैयारी कर रहे, तुम्हें पता ना हो तो पबजी वाले का एक टूर्नामेंट आ रहा है जिसमें सबको नचाया जाएगा, ऐसे जो सबसे अच्छा नाचेगा उसको प्राइज पूल मिलेगा, तो ये सब उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पर। भैया है यहाँ पे बाइसन के साथ, अरे अरे इतना कॉन्फिडेंस बाइसन पे भाई, इतना कॉन्फिडेंस तो लोग अपनी गर्लफ्रेंड पे ना ले, जितना बंदा बाइसन पे दिखा रहा है। दो बंदे लॉक कर दिए, तीसरे वाले को भी दिया, लेट्स गो बॉय।
21 की सिचुएशन भाई साहब कंफ्यूज करके फेल दिया एनिमी कॉक से। स्टाइल तो है भाई कुछ भी बोलो। ओके भाई साहब आई डोंट नो ये सही में लगा है नहीं लगा है बट जो भी मारा है बढ़िया मारा है भाई। एडिट ही होगा मेरे को लग रहा है। यहाँ पर एक प्लेयर आया M416 लेकर के मैं जिंदगी में दूंगा एनिमी का डबल ग्लेजर मेरे भाई। एक तो आईपैड व्यू ऐसा बड़ा लगता है ना, एकदम अलग सी फीलिंग आती है ना। ये कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं है इसका आईपैड व्यू, पता नहीं भाई। भाई तेरा आईपैड पीसी है, पीसी लग रहा है भाई। इतना बड़ा मॉनिटर स्क्रीन तो पीसी में दिखता है भाई, तो कुछ ज्यादा ही बड़ा दिख रहा है इसका सब कुछ, आईपैड भी नहीं है। ओके भैया आए यहाँ पर अपने मस्त यूएसजी लेकर के, रेड जोन ना फट जाए भाई यहाँ पे, बाकी सब सही है। सामने बंदा, ओ टाइमिंग रेड जोन की, रश करते और फिनिश यार। पबजी के देवता ने बोला अरे नहीं ये रश कर रहा है, इसमें फोड़ो जल्दी फोड़ो, इसमें भी फोड़ो, इसकी केडी उड़ाएंगे नुबड़ी के। वाओ स्प्रे भाई गजब का, ये दूर से कौन नुबड़ी का स्प्रे मार रहा है, डर नहीं लगता क्या? बेटा लॉबी पहुंचा दिया उसे भी, कंधा मारा है, बढ़िया मारा है 350 मीटर दूर। यहाँ पर देखो 1, 2, 3 बंदे उतर रहे। ओके वाओ नो स्कोप भाई, पैराशूट पे उड़ने वाले बंदे को हाथ तो गजब का शॉट, एक स्प्रे जो बदल दे आपकी जिंदगी मेरे भाई। लेट्स गो वाओ 4x पे स्कारल चल रही, चलती बाइक से प्लेयर उतर रहे, क्या चल रहा है ये? अरे अरे हीरो हीरा लाल मूवी के एक्टर भाई साहब गाड़ी घुमा के जो लाया है इस स्टाइल में कि यार अब तो मैं ही सबको क्लच करूंगा। वक्त जिस बात जिंदगी बदल गया एनिमी का भाई, जब कहीं पता नहीं भाई। वाओ ये कुछ गलती AW मारी, हालांकि वो नॉक नहीं हुआ बट था तो बढ़िया शॉट, कुछ भी बोलो। मुंह पे उड़ के गया, बॉडी शॉट मार के आया भाई लौंडा। फ्री फायर हमारा एक बंदे को रास्ते में लेटा है M416 से, दूसरा आया दूसरे को भी लेटाया। आप हमें TDM हेडशॉट मारना दिखा रहे हो क्या? मतलब इसमें क्या बड़ी बात है भाई, अपन लोग डेली उठ के आग बंद करके मारते हैं, व्हाट इज दिस? वो क्या पर प्लेयर आया DPS लेकर के एक बंदे को, भाई सही में मोई मोई हो गया भाई, सही में बुरा लगा भाई, कतई मोई मोई पबजी कंपनी भाई, गलत मोई मोई भाई, पबजी कंपनी अलग लेवल का मोई मोई भाई। DPS धोखा देती है तो कोई नहीं बचा सकता आपको भाई, फिर तो ओके गलत हेडशॉट मारा इसने। अब क्या किंग, एक टीम जिसका डोमिनेशन रहा है इस टूर्नामेंट में वो रही है गॉडल। मैंने वीडियो में बना के बोला था भाई कि यू नो एडविनो इज गोइंग टू बी द चेंज जो कि लिटरली गॉडल के लिए गेम चेंजर हो सकता है, एंड वो परफॉर्मेंस भी गॉडल ने करके दिखाया है इस बार भाई। जब तुम्हें तो पता ही, ऑलरेडी इन लोगों ने जो पेला था पहले दो दिन तो लिटरली बैक टू बैक पेलम पाली चल रही थी भाई, कारगर साबित होता नजर आया क्योंकि टीम एक्सपोजर के अंदर एक प्लेयर बाहर से आने वाले मार्कस के खिलाफ बोलती हुई एमजी के अगेंस्ट फाइट निकल के आ रही है। एमजी ने बहुत सॉलिड गेम खेल के दिखाया मजाक से, पर एक टीम ने आशियाना ले रखा है, जोनाथन ने उठाया वहां पर किल, इतनी आसानी से चिल नहीं कर सकते टीम बॉट लाइक दे आर टारगेटिंग एवरीवन, टेबल टॉपर्स टीम के बीच में भिड़ा तो अरे एमजी को क्या मारा यार चारों तरफ से, पूरी टीम का एलिमिनेशन, डेड फॉलो ग्रिड मार रहे सबके बीच में सोमराज, ही इज नॉट स्टॉपिंग, उन्होंने सेंसिंग को गिरा यहां पे स्काई फॉल के किंग पेन ऊपर से नीचे मार दे बंदे का ट्राई कर रहे हैं। जोनाथन ने डेड पुल करा यहां पे सामने भाई, आरएनटी होल्ड कर रही है, जेली को होल्ड करा जा रहा है भाई, डीबीएस से जेली से रश ना कर पाए अभी के लिए अगर देखा जाए। वाओ क्या मारा जेली को, लेकिन पीछे से ट्रेड ले लिया एकदम इंस्टेंटली, ब्रेक काउंट देखा जाए दोनों टीम्स का काफी लाजवाब, बट गॉड जोनाथन क्लोजिंग कर रहा है यहां पर, कि रेवेनेंट को ब्लैक किया जाएगा तभी कुछ बात बन पाएगी। बढ़िया नेड फेंका है जोनाथन ने राइट साइड से, स्काई फॉल भी है और देखते ही देखते जहां पर मुझे लग रहा है कि रेवेनेंट एडमिनो है एनटीटी है, अब मात्र तीन टीम्स रेवेनेंट एक बहुत सुने स्काई फॉल उनके पास, बट क्या एंटिटी क्या एंट्री कर पाएगी क्योंकि ट्रॉय को तो हील बैटल के लिए भेज दिया, बट जोनाथन और उसकी टीम जोन में है, स्काईफॉल बाहर है, एंटिटी बाहर है, जीतने के चांसेस गॉर्डन के बहुत ज्यादा है अपने आप को लेकर। इट्स अ 2v2v2 सोमराज धीरे-धीरे जोन में जा रहा है भाई, सोमराज ने बहुत बढ़िया गेम प्ले दिखाया मजाक सेट के टूर्नामेंट में, जोन में क्लोजिंग होना स्टार्ट हो गया, सोमराज धीरे-धीरे जोन में जा रहा है, मॉन्स्टर के पीछे शायद से एंड टाइम में मॉन्स्टर पे बैठ के अंदर रश हो सकता है मेरे को लग रहा था। दोनों ही प्लेयर्स एडमिनी को शायद से सोमराज की लोकेशन नहीं पता, एक प्लेयर जोन के बाहर हील बैटल कर रहा है सरप्राइजिंगली, सो आई डोंट नो वो सरवाइव करेगा कि नहीं, वो फिनिश हो गया जोन के बाहर ही नहीं, आप मतलब वो अंदर ही नहीं आ पाया भाई, वो जोन के बाहर ही फिनिश हो गया। अब जाकर ट्रॉय का वो नॉकआउट देखने को मिल जाएगा, नहीं देख पाएंगे, बट सोमराज तो जोन में आ गया था, ट्रॉय भी शायद आ जाता सही बताऊं तो, बट टाइगर्स उसने सोचा कि नहीं छोड़ो, लेकिन ये क्या गॉडल वर्सेस स्काई फॉल हो रखा है यहाँ पे, सोमराज मस्त मजे ले रहा है लेकिन एडमिनो ने वहां पर एक बंदे को नॉक निकाला है, आखिरी प्लेयर जोन से गया, मुश्किल जोनाथन बहुत बड़ा जोखिम लिया है सर्कल का डैमेज खाते खाते, बट कहां की तरफ देखा सोमराज को, सोमराज जीत सकता है एक्चुअली में, सोमराज जीत सकता है, जोनाथन जोन के बाहर जाएगा ना हो जाए, लग रहा है जोनाथन जी आप प्ले जोन
प्ले जोन से यहाँ पर नॉकआउट हो जाएंगे और अब एटॉमराज अदरवाइज रीसेट हो गया तो वापस 1v2 करना पड़ेगा। क्या हो गया मेरे भाई? सोमराज को समझ में, सोमराज को बताइए ये मूवमेंट है अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं मार रहा तो कोई मार नहीं पाऊंगा। इसके अंदर बहुत खतरनाक फाइट देखने को मिली थी। अरे अरे विन गॉड का एक बंदा फिनिश कर दिया ऑलरेडी सिंप ने आकर के, क्या जो किल था वो जो फिनिश था वो अभी तक कंफर्म नहीं किया गया। दूसरी अरे अरे जेली फिनिश हो सकता है यहाँ पे, जेली तो जाएगा, जेली नहीं बचता। नॉकआउट जोनाथन और एडमिन दोनों मिलके इधर सवितार के ऊपर चढ़ते हुए देखने के लिए मिल सकते हैं। ये दोनों घुस के मारेंगे गाइस, सवितार होल्ड करेंगे लेकिन बाहर आने से पहले ट्रेड पे ट्रेड लिए जा रहे हैं। जेली भी फिनिश दे तो मतलब गॉर्डन में भी तीन ही बंदे हैं, जेली को अभी तक फिनिश करा नहीं इन लोगों ने। जेली का किल कंफर्म कर लो मेरे भाई, वो कहीं बच बचा ना जाए भाई, नहीं फिनिश हो गया मेरे को, बच जाएगा भाई, उसने छोड़ दिया मारने के लिए। देखिए दोनों को नॉकआउट किया जा सकता है, बढ़िया नेट फेंक रहा है पे। इधर सपोर्ट आ चुका है, जोनाथन वाओ राइट हैंड में फिनिश हुआ सामने, अब 1v3 की सिचुएशन है। तो आज जोनाथन बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं भाई, जोनाथन ने जो डोमिनेशन करके दिखाया ना, हर दिन डोमिनेट करके मार रहा है भाई बंदों को। रेड इधर कनेक्ट होता हुआ देख सकते हैं और उसी के साथ होगा समाप्ति। टीम गॉडलाइक और जोनाथन बहुत ही ज्यादा शानदार ये प्रदर्शन मार रहा है। टीम तमिलाज या हाइड्रा के खिलाड़ी भी देखने को मिल जाएंगे लेकिन सेम निकालेंगे एस पावर, ओके एस पावर नॉकआउट किया जाएगा, समाप्त भी किया जाएगा। सोल वर्सेस गॉडल चल रहा है यहां पर, शायद उनको पता है भी शायद शट डाउन कर दिया जा सकता है एक के बाद एक। अरे नकुल भी ओपन में फंस गया, रॉनी भी है, क्या जाएगा जोनाथन की तरफ से। जोनाथन रॉनी क्रॉस करने का ट्राई कर रहा है, रॉनी तो गया, रॉनी नहीं बचता भाई ओपन में बहुत ज्यादा। ओ क्लोज आएंगे, ये कनेक्ट होता हुआ देख सकते हैं भाई, सब नहीं लेकिन भाई ले गया भाई। अरे मुझे लगा रॉनी कुछ गलत स्कैम ना करता भाई इन टाइम पे जोनाथन के साथ, उसी के साथ अभी भी अलाइव है ये चिकन डिनर, निकल के आ सकता है गॉडलाइक के लिए प्लेयर एडवांटेज। इसमें सबसे ऊपर वो नाम आ सकते हैं निंजा जॉर्ड, एक हील बैटल जान देने पर एक ग्रेनेड जाएगा और हो सकता है निंजा जॉर्ड को समाप्ति भी लेकिन जी नहीं अच्छा खासा उनको भी जोन में जाना है वापस से। चार टीम है फाइनल जोन में, टीएक्स का एक बंदा लाइव है, परमिशन भी तुरंत यहां पर उनको किया जाएगा। तो ग्रेनेड कुक कर रहे हैं और शायद इसका आवाज ये पिन आउट की जो आवाज है ना स्काईफॉल को भी आ चुकी है और सामने आ जाएंगे लेकिन अरे भाई 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 ही हाथ पे ग्रेड रह जाएगा लेकिन सेम आएंगे सही टाइम पे एकदम रश कर रहा है एनिमी ने पता है लेकिन सेम यहां पर बट क्लच कर सकता है। ओ भाई क्लच कर गया, बहुत ही शानदार और निकालेंगे बट अभी भाई नो डाउट भाई बंदा आया गोल्डन में डोमिनेट करने के लिए, सेम यहां पे शायद से फिनिश हो सकता है भाई। क्या नेड है भाई, क्या नेड है भाई, यहां पर सामने जीटी की लाइनअप फुल खेली को पकड़ा जा सकता है, इधर रोटेट करके जा रही है। अरे जेली ने फिनिश कर दिया शैडो को, गाड़ी गाड़ी चढ़ा दी जेली भाई, रश कर रहा है जीटी पे क्या, बहुत ज्यादा मुश्किल में और टीम भाई बहुत अग्रेसिव गेम प्ले यहां पे गॉडल का भाई, लिटरली जेली मुंह पे लेके जा रहा है गाड़ी भाई, देंगे अपने टीममेट्स को एंड उसके बाद फिर टीम में सब रोटेट करने वाले। जो कमबैक दिखाया ना वो कहने वाली चीज, मतलब एस पावर लिटरली गॉड मोड पे आ गया था, उसने जो बजाया है भाई पूरी टीम को उठा करके सबको एक तरफ मारा है भाई, डाउन करेंगे उतर गया, ये क्या चल रहा है भाई साहब, नुकसान भी कमाल का खत्म तो किया गया यहाँ पे पूरी टीम को, ओपोनेंट को यहाँ पे मुश्किल में डाले लाइनों में पेल दिया भाई, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। चार बंदे और आने वाले, एक और स्क्वाड आ गई भाई, गाड़ी लेकर के मुंह पे स्कैम हो जाएगा थोड़ा सा, और थर्ड पार्टी भी बिल्कुल यहाँ पे ऑन द टाइम हमें देखने को मिल जाएगी। अरे नहीं करने में कामयाब हो पाएंगे, ये क्या हो रहा है, अरे लेफ्ट में मार दिया भाई जोनाथन तो मार ही जा रहा था, रुक नहीं रहा था लौंडा। कैप किंग वो तो था हमारा डोमिनेशन का पार्ट, जो कि ऑफ कोर्स गॉडल ने करा है, मार्कोस गिविंग ने करा है पहले के दो दिन करा है, बट फिर होता है अल्टीमेट कमबैक ऑफ द कमबैक्स, सोल का कमबैक, और ये गेम तुमको एक्सप्लेन कर देगा क्यों लिटरली सोल ने जो मारा है पकड़ के भाई एंड में, आई मीन दैट वाज लाइक नेक्स्ट लेवल स्टफ भाई, एस पावर तो पागल ही हो गया था मारते मारते भाई, बट आई गेस मान्या फिनिश हो गया ऑलरेडी, नहीं मान्या जिंदा है, नहीं मान्या फिनिश, माय बैड, रॉनी ने दोनों को दे दिया यहां पर हाइड्रा के, जिस चीज की ओपनिंग थी वो मिल चुकी है, रॉनी क्लोजिंग कर रहा है यहां पर, परेशान कर सकते हैं आईकू सोल को, भनक भी नहीं है, भरोसा भी नहीं है और पता भी नहीं है, नकुल लिटरली गाड़ी लेकर घूमे जा रहा है भाई, मस्त फाइनल सर्कल में एस पावर ने क्या कर रहा है उसके भाई, देखते टीम हाइड्रा, हाइड्रा एलिमिनेटेड शायद अभी भी पूरा हुआ नहीं है और वो बहुत ज्यादा परेशानी देगी भाई, रॉनी यहां पे क्लोजिंग कर रहा है, स्लग क्या कि स्लग बहुत बाप प्लेयर है लेकिन स्लग खत्म होने वाली है, रॉनी
knew it. Ronnie understood कि there might be a player, एक player हो सकता है उधर, और क्यों ना वो बड़े से boulder को check करता है. S-Power knocked out है, S-Power को finish भी हो सकता है, लेकिन क्या पता revive मिल जाए. Ronnie है यहाँ पर, नकुल है, S-Power है, बढ़िया लेड़ा है, बढ़िया Ronnie का. Entity को move करने के लिए. ग्रेनेड तो आप फेंक दिए, यहाँ पर मोल्टोव का आप प्रयोग, एस पावर रिवाइव हो जाएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल. आप देख सकते हैं ना एचपी कितनी ज्यादा कम है, और लग रहा है कि हाइड्रा का कंफर्मेशन तो आप देखने को मिल जाएगा, बट सवाल वो देखिए वो एस्केप कर भाई यहाँ पे क्या चल रहा है, तीन टीम जिंदा है, रिको ग्रेनेड और एक नहीं यहाँ पर एंटिटी सोल हाइड्रा, हाइड्रा तो फिनिश हो गया ना, एनकोर को यहाँ पर फिनिश ऑफ करा मेडल है, हाँ एंटिटी वर्सेस सोल की फाइट निकल के आ रही है. रॉनी फिनिश हुआ है, कमला बॉय क्लोजिंग कर रहा है यहाँ पर, इट्स गोना बी द एंड, और शायद नकुल अपना वो फिनिश प्ले जोन को ही दे देंगे. सौम्य है, उन्हें नॉक कर दिया गया है इंस्टेंटली व्हीकल रन ओवर के साथ. सीक्रेट ऑन द अदर साइड एनिगमा के रॉनी को गिराया जाएगा. ये लोग आकर हाई रिच पे रुके, ऊपर से नीचे एनिगमा को धप्पा होने वाला है भाई. टीम एनिगमा बढ़िया नेड़ फेंका, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स है उनको फेस करना पड़ रहा है. प्रॉब्लम्स क्या, बहुत सारा प्रॉब्लम्स. एक और नेड़ फेंका है, इधर फंस जाएंगे तब. रॉनी एस पावर ने क्लोजिंग कर दिया, आ चुका है एस पावर, पहुंच चुके हैं. अब तो बाबू भैया वक्त से बात जिनके बदलेंगे तुम्हारा, आ जाओ भैया. और ये ग्रेनेड अभी तक कनेक्ट हुआ नहीं है, बट नकुल सीक्रेट को नॉक करेंगे. आईको सोल की अगर बात करें, ओके बढ़िया नेड, चारों प्लेयर्स लाइव बैक टू बैक फ्रैक्स का इस्तेमाल, और ग्रेनेड से नॉक निकाले जा रहे हैं. लेब्रॉन भी नॉक हो चुके हैं. हम लोगों को लग रहा है कि शायद टीम आईको सोल का पूरा पूरा फायदा इधर रहेगा. इंफिनिटी रहने वाला भाई, एस पावर यहां पे क्या मार रहा है भाई, सब एस्ट्रल के लेकर के वक्त के बाद जिंदगी बदल गया भाई एनिमीज का. टीम आईको सोल का शुरुआत मुकाबले के अंदर बहुत ही बढ़िया. टीम ग्लोबली ईस्पोर्ट्स अभी के लिए भारी पड़ते हुए, और शायद इधर से भाई जी वर्सेस वहां पे गॉडल की फाइट आ रही है, बहुत मुश्किल है. एडमिनो तो फिनिश हो जाएगा, मेरे को लग नहीं रहा बचेगा. एस पावर यहां पर डाउन रेंज होल्ड कर रहा है, अबे क्लोज रेंज की फाइट वापस से एस पावर आकर डोमिनेट कर रहा है भाई. क्या मार रहा है भाई साहब, ये स्काई फॉल को क्या मार रहा है ये टीम, क्या मार रहा है भाई ये. उनके लिए ये घर एक सेफ स्पेस था जरूर, बट ज्यादा देर तक नहीं, एक अच्छी मोल्ट ऑफ फेक जरूर. एस पावर एस्ट्रल के लिए क्या बजा रहा है यार, एस्ट्रल किस द न्यू मेटा गाइस, हार्ड में जाए डीबीएस एस्टेल के से क्या पिटाई हो रही है भाई लोगों की. स्ट्रगल करी इनके पास सर्कल नहीं है, बट स्टिल दे हैव द फायर पावर. एक अच्छा नॉक, और ऑब्वियसली टनल विजन थे आईको सोल के प्लेयर्स के ऊपर, और एंटिटी को तभी यहां पर थर्ड पहुंचा जाएगा. यहां पर ये ओपन में खड़े होकर भाई एस्टेल की पूरी टीम एस्टेल का चला रही भाई, बॉय को इंस्टेंटली गिराया जाएगा. और विंड गॉड की वजह से आखिरी फिनिश एस पावर ने निकाला पुकार का. टीम एंटिटी दे गॉट वाइप्ड आउट, नकुल को नहीं जा रहा रोनी यहां पर. 10 finishes और ये लोग जोन में आ गए हैं, प्लेयर में से 10 finishes टीम के हैं, और अभी भी दे आर स्टिल लुकिंग आउट फॉर सम मोर. बट टीम आईको सोल, मार्को से सोल है, विंड है, जो जीटी है सेट हो चुका है विंड गॉड के ऊपर, और वो जीई है. टीम मार्कस गेमिंग दे एंटर्स इनटू द फाइट, एस पावर की एक और फाइट निकल के आती है. अबे विंड गॉड को तो भैया स्कैम होने वाला है, बाहर निकालेंगे मैक्स को. टॉप 6 के अंदर आ चुके हैं, सर्कल आपके फेवर में नहीं है, बट स्टिल नीचे कोई प्लेयर आएगा स्कैम करके टीपीपी ले रहा है क्या. चलते फिरते एक इंस्टेंट एग्जांपल, ओ क्या नॉक निकाला वापस भाई एस पावर, वापस और इंस्टेंट खत्म भाई. सारे नॉक तो एस पावर लेके जा रहा है भाई, मिला और उनको उधर किले मार रहा है भाई. क्या चल रहा है ये बंदा, गलत फॉर्म में 7 किल के साथ भाई, मजाक चल रहा है कि मान्या ने ओवर कमिट कर दिया. एडमिनो एस पावर ने गाड़ी छुड़ा दिया ना बचाने के लिए, एस पावर ने गाड़ी छुड़ा दी भाई एडमिनो पे. तीन टीमें बची और इन सब के बीच में टीम आईको सोल दे आर लुकिंग ऑन अ डिफरेंट लेवल. भाई एस पावर अकेले मार रहा है भाई, पूरे लॉबी को पकड़ के अभी भी सबसे ज्यादा गॉड मोड एक्टिवेटेड है भाई लौंडे का, जिसका नाम चल रहा है दैट्स गोना बी एस पावर लुकिंग सो कॉन्फिडेंट. नो किल भाई, व्हाट 20 एचपी पे छोड़ा गया है, मावी के ऊपर नेड फेंका है, मैन विद द गोल्डन हेड के ऊपर ही नेड फेंक दिया. 10 किल हो सकते हैं भाई या नहीं, और मान्या कोशिश कर रहे हैं इंफॉर्मेशन देने की भी, और उसी के साथ साथ लिटरली क्लासिक लॉबी बना के खेल रहा है भाई. वो है किधर नीचे, रॉनी अपने आप को हील कर चुके हैं बट कारी के अंदर बैठे हुए हैं भाई. रॉनी क्या स्टोर के मार रहा है यहाँ से, लेकिन बट नकुल फिनिश हो जाएगा जाते हैं मेरे को लग रहा है. अरे एस पावर को फिनिश कर दिया यार कहीं से, नकुल भी फिनिश होगा शायद से, बट एमजी यहाँ पर क्लोज इन करने का ट्राई कर रही है. रॉनी ने बढ़िया नॉक निकाला है, रॉनी कह रहे हैं मैं अभी भी जिंदा हूँ, लेकिन कब. बट ऊपर से जी यार, अरे जी यार, अरे यार जी ले गई यार, बट नो फिनिशेस भाई. ये मावी को भी फिनिश कर देना, 10 किल हो जाते हैं भाई. क्या अपने आप को बचा पाएंगे, क्योंकि अभी के लिए यहाँ से तो देखिए ग्लोबल ईस्पोर्ट्स ने ठान लिया कि हम किसी को भी सरवाइव नहीं करने देंगे. सोल वापस से यहाँ पर जी के ऊपर गॉडल के सिम को मारा है सामने से, जी को पता भी नहीं था कि एकदम सोल क्लोजिंग कर देगी, और उनको उम्मीद भी नहीं है, भागने की फुल ट्राई हो रही है, लेकिन बीस्ट पानी में जाके नॉक फाइट करते बीस्ट तो कुछ बात बन सकती थी, बट देखते ही देखते दूसरा फ्रैग भी जी को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, एकदम रश हो जाएगा यहाँ पे, झूठ भी नहीं कह रहा मैं. उनके लिए सरप्राइज सरप्राइज हो गया, स्लग को मारा जाके मान्या ने, स्लग इधर हो चुके हैं नॉकआउट, नहीं सॉरी रॉनी ने नॉक निकाला पीछे से. कोशिश है इधर नॉक निकालने की, ओनली कुछ ही एचपी के साथ इधर सर्वाइव कर रहे हैं, और देखिए कोई और प्रॉब्लम होने वाला है नहीं, बहुत मुश्किल है ग्लोबल स्पोर्ट्स का बचना, और क्या उसके मार क्या है यार ये लोग, वो अभी और कोई चांस ही नहीं बचा. गाड़ी का धमाका हुआ जिसके चलते वो खुद ही अपने आप को नॉकआउट करा, मान्या ने एक बंदे को नॉक निकाला है. और देखिए
अभी के लिए टीम आई को सोल ने भी उनको रंगे हाथ पकड़ा है, गए हैं वो फार्म रीजन, टर्बो को फिनिश ही कर दिया है, मुश्किल के हाथ में यहां पर टीम टीडब्ल्यूओबी अभी के लिए आई गेस फिनिश हो गई क्या टीडब्ल्यूओबी, ज्यादा मुश्किल में और उसी के साथ-साथ अगर देखा जाए दूसरे टीडब्ल्यूओबी के दो बंदे लाए हैं मौजूद ऑलरेडी, और ये रॉनी तो पीछा कर रहा है वो तीसरे बंदे का पीछा कर रहा है, वो बंदा भाग के डर के मारे, उसने कहा भैया जाने दो भैया कुछ तो रैंकिंग आएगी आप तो फिनिश ही कर दोगे आज के दिन में सारे प्लेयर्स को, हाइड्रा के प्लेयर्स को पकड़ दिया पकड़ भाई साहब, इन्होंने आखिरी दिन डे थ्री डोमिनेशन जो था ना अनबीटेबल लग रहा था ना उस टाइम, तो सोल को ऐसा वो टच नहीं कर पा रहा था भाई, तुम किल्स देख लो भाई अकेले टीम सोल के साथ किल्स है, ये लोग लिटरली घुस घुस के मार रहे थे घुस घुस के, नकुल ने इनसीन की इविल को नॉक करा है, इविल को वो मदद की दरकार होने वाली है, यहां से चलिए उनको बचाना तो नहीं पाएंगे पर इतना है कि अपने उस वेयरहाउस पे कब्जा ना, सोला के पहाड़ पे रुका हुआ है, ध्यान रखिए चलिए, अरे भाई पता नहीं किसको ही फिनिश कर दिया एकदम से, यहां पर निकलना पड़ेगा एनिग्मा से फाइट ले ली यहां पर मान्य और नकुल ने भाई फुल पेलम पाली करनी चालू कर दी, सामने से एक प्लेयर एनिग्मा का भागने का ट्राई तो कर रहा है, ऑलरेडी मौजूद टीडब्ल्यूओबी का प्रिंस भी गया, बात करें बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लेवल पे कितने किल्स है भाई 10 किल्स है भाई, टीम आईकुसोल 10 फिनिशेस ऑलरेडी उनके पास, बट गॉडलाइक का हो चुका है इधर खात्मा, दैट मींस उनका जो पोजीशन है वो इधर थोड़ा सा मुश्किल में जरूर है, बढ़िया नेट फेंका एनिमी ने बट यहाँ पे एस पावर अंदर क्लोजिंग कर रहे हैं, पहले फोकस कर लेते हैं एस्ट्रोल के लेकर के भाई, एस्ट्रोल के इज द न्यू मेटा गाइस, एस पावर एस्ट्रोल के चला रहा है भाई और 10 किल लेके जा रहा है भाई के गेम में, लौंडा फिनिश हो गया वो, मालिया ने नेट से मोड़ दिया भाई, इस बात की है मिस्टर आईजीएल उनका भी काम तमाम किया जाएगा, यहाँ पर एमजी थोड़ी दिक्कत आ चुकी है भाई, एमजी की थोड़ी सी दिक्कत है, दो प्लेयर जिनको संभालना होगा ये कमान, लेकिन क्या इधर रिवाइवल मिल सकता है, टीटी है सोल है एमजी है, एमजी यहाँ पे शायद से सोल पे रश करने का ट्राई करेंगे बट दो प्लेयर अलाइव है तो शायद से फायदा नहीं है रश करके, फिनिश ना हो जाए खुद तो ये सरवाइव करने का ट्राई करने वाले, बट मान्या वहां से फुल मजे ले रहा है, मान्या को पता है अभी यहाँ पर नॉक निकल के फिनिश भाई एमजी गई, 4v4 की सिचुएशन है, टीटी वर्सेस सोल फाइनल सर्कल अल्टीमेट 4v4 बैटल है, जो जीतेगा वो चिकन डिनर ले जाएगा, टीम आईको सोल आज के दोनों पे जोन का एडवांटेज है, दोनों पे ही सॉलिड एडवांटेज है, दोनों ही जोन में है, उनका डॉल कम्स डाउन टू यू नो दिस दिस गेम के सुपरस्टार्स को डाउन करके क्या ये गेम में ये क्लच कर पाएंगे 4v4 की फाइट, इधर बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में, तो भाई लिटरली इनको चारों तरफ से घेर रही है सोल भाई, बढ़िया नेट तरीके से दो बंदे गए बैक टू बैक नेट से 2v4 की फाइट, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त कनेक्शन है स्मोक में, इधर हो बच गया यार पूरा स्पॉट, इस पावर इधर फर्स्ट पावर 5 किल मारने के 5 किल, बढ़िया नेट ऑल डेड साफ भाई, लिटरली साफ भाई कमबैक भाई, गलत वाला कमबैक था इनका भाई, अगर तुम्हें डे थ्री के अकॉर्डिंग स्टैट्स देखने तो भाई एसपावर ने सबसे ज्यादा फिनिशेस करे थे, सेकंड पे जोनाथन था, देखो जोनाथन ने डे टू पे भी अगर तुम जाकर देखोगे ना तो भाई बंदे ने उस दिन भी लिटरली डोमिनेट करा, 25 फिनिशेस डे टू पे भी निकाले, हालांकि अगर तुम रैंकिंग देखो तो फोर्थ पे आ गई है सोल, एंड अगर तुम्हें डे टू से कंपेयर करके दिखाऊं तो लिटरली ये लोग बहुत नीचे थे भाई, मतलब टॉप 8 में भी नहीं थे, 10th रैंक थी इनकी, ठीक है 10th से ये लोग फोर्थ पे आ गए, गॉडल 3rd से 2nd पे चली गई है, तो आई मीन सोल और गॉडल का बहुत ज्यादा चांस है, लिटरली गॉडल एक पॉइंट से नीचे है, समझ लो एक पॉइंट से नीचे है गॉडल सिर्फ, तो क्या ये तो तुम्हारे वन गेम प्रो चैंपियनशिप का डोमिनेशन और कमबैक, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना तुम कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे थे और क्या तुम्हारी टीम की रैंक थी, मिलेंगे कल विद अ ब्रांड न्यू वीडियो एंड पीस आउट, लेडीज एंड जेंटलमैन कैन आई प्लीज हैव योर अटेंशन ऑल ऑफ यू टू स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग एंड लिसन।